अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरे से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं हूँ रीमा अहसन अपने इस नए वीलॉग के साथ। आई नो वीलॉग जो हैं काफ़ी देर बाद आ रहे हैं आजकल। असल में मेरे पास थोड़ा टाइम जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कोई वीडियो बना के उसको एडिट करना। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले दिनों में जो है जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे वीलॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉफ़ी मशीन की अनबॉक्सिंग, और साथ में मैं आपको कॉफ़ी भी बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब रिव्यू होता है तो फिर वो पूरा रिव्यू होना चाहिए। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता हो कि एक्सप्रेसो मशीन से कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर कॉफ़ी मशीन लेने का, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। चलिए मेरे साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आगे जी ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी मशीन जो कि है एक्सप्रेसो, और ये 15 एक्सप्रेसो शॉट्स बार है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है। और ये काफ़ी पावरफुल है, 15 बार हाई प्रेशर पंप है, और स्टीम नॉब भी है इसकी। चलें तो इसको ओपन करते हैं। काफ़ी पैकिंग की हुई है क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी यहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है कि कोई चीज़ डैमेज ना हो, इसलिए फुली उसको पैक करके भेजते हैं ये लोग। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। मैनुअल जो है वो थोड़ी देर तक पढ़ूंगी मैं कि क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। वैसे मुझे कॉफ़ी में इतना इंटरेस्ट है कि मुझे मोस्टली कॉफ़ी मशीन्स यूज़ करनी आती हैं। किसी ने मुझे सिखाई नहीं है, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। मुझे इंटरेस्ट है, इस वजह से कोई भी कॉफ़ी मशीन मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और ये है जी इसका स्पून जिसमें हम कॉफ़ी फिल करते हैं और डालते भी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। पहले आप ये मशीन देखें, इसको अनपैक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी मजबूती से पैक हुई भी है। ये देखें जी, इसमें हम कॉफ़ी फिल करते हैं। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी एंड पे, जब कॉफ़ी बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें कॉफ़ी फिल करनी है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है ये जो इंसर्टिंग का कप है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है जी। अब इसको पूरा ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये सामने ही आपको इसके ऑप्शंस भी नज़र आ रहे होंगे। स्टीमर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, और जो आपको ये हैंड का बना हुआ नज़र आ रहा है ना एरो, ये है इसकी स्टीम नॉब, यहाँ से स्टीम बनती है। और ये स्टील की बॉडी है जिस वजह से इसमें बड़ा अच्छा सा प्रेशर जो है वो गर्म रहता है, यानी पानी जो है गर्म रहेगा, और आप मग वगैरह रखेंगे वो भी गर्म रहेगा, तो इसलिए कॉफ़ी ठंडे होने के इश्यूज नहीं है। वैसे हमें बहुत कंप्लेंट रहती है कॉफ़ी शॉप से कि कॉफ़ी मिलते ही ठंडी हो जाती है, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद। हमें चाहिए गरम गरम कॉफ़ी, और आखिरी सिप तक गरम रहनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जो स्टारबक्स है, अभी तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ स्टारबक्स का एक्सपीरियंस किया है कि उनकी कॉफ़ी गर्म रहती है एंड तक, लेकिन बाकी जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं सबकी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। आप दो सिप लें उसके बाद पूरा कप ठंडा होता है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से है। ये नीचे इसका वाटर टैंक नहीं, ये ट्रे है, नॉट अवेलेबल फॉर डिश वॉशर, तो इसको डिश वॉश करने से थोड़ा सा गुरेज करें। मेन्यू थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्लीनिंग के फंक्शंस अलग हैं, ऑटो पावर ऑफ फंक्शन वगैरह अलग है। तो दूध मैंने निकाल लिया है, अभी बस हम लोग कॉफ़ी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, इसमें वन कप का भी ऑप्शन है और टू कप्स का भी ऑप्शन है, और इसमें से ऐसा नहीं है कि वो जो ब्लैक कॉफ़ी पूरा कप भर के निकलती है ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। इसमें से एक्सप्रेसो शॉट निकलता है, इसलिए हम कॉफ़ी भी एक्सप्रेसो लाए हैं। और ये बहुत फाइन पीसी हुई है, इसमें दो तीन कैटेगरीज होती हैं, एक बिल्कुल फ़ाइन होती है, एक थोड़ी सी यानी कम फाइन होती है। कम फाइन से मेरी मुराद ये है कि थोड़ी दरदरी सी आप कह लें उस तरह से। और ये देखें जी, इस तरह कॉफ़ी डाल के इसको प्रेस करना है, इसी स्पून के पीछे इसको ये प्रेस करने वाला भी बनाया हुआ है उन्होंने हैंडल। दोबारा दिखाती हूँ आपको, इस तरह से हमने डाला और
उसी स्पून की बैक साइड से इसको प्रेस किया और बिल्कुल ईवन किया। इसको ईवन करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो प्रेशर सही से नहीं बनता और एक्सप्रेसर शॉट आ नहीं सकता। ये देखिए जी, ये हमने लगाया जी हैंडल कॉफ़ी भर के, इस मशीन में इस तरह से हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, टाइटली इंसर्ट करना है, उसमें डायरेक्शंस लिखी भी हुई हैं। और अब हम कप रखते हैं, पहले तो मशीन को ऑन करें। सबसे पहले तो मशीन को ही ऑन करना है, क्योंकि मशीन थोड़ा सा टाइम लेती है हीट अप होने में, और वो वाटर वगैरह भी और स्टीम भी, तो इसलिए पहले से उसको हीट करें, उसके बाद ये इंसर्ट करें इसमें। और हमने कप सेट कर दिए, तो हम निकालेंगे 2 कप्स। शॉट निकलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से निकल रहा है और इतनी अच्छी खुशबू है कि पूरे घर में कॉफ़ी की खुशबू हो गई है। इस कॉफ़ी की बात ही कुछ और होती है। जितनी भी आप इंस्टेंट ले लें, 3-in-1 ले लें, बाहर से ला के जैसे मर्जी उसको बना के पी लें, लेकिन जो कॉफ़ी मशीन के इस शॉट की बात है वो किसी और चीज़ में नहीं आती, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी निकलती है इस तरह से। ये देखें, क्लोजली दिखाती हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से है। ये एक शॉट निकला है। अब इस शॉट के लिए हम मिल्क को फ्रॉथ करेंगे। स्टीम ऑलरेडी रेडी है इस मशीन की। ये देखिए जी, ये इसकी नॉब है, यहाँ से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिल्क को फ्रॉथ कर लिया है। और अब मैं डालूँगी इस कप में चीनी, मैं थोड़ी सी पहले से ही डाल चुकी हूँ इसमें। ये रहे जनाब, कैसी ज़बरदस्त फ्रॉथी कॉफ़ी रेडी हो रही है। और आज हमने बनाई है कैपेचिनो, वो भी घर पे, और मजाल है कि ये ठंडी हो जाए। वैसे अभी मुझे डिज़ाइनिंग आती नहीं है, लेकिन बना बना के आज एक दिन आएगा तो तब आपके साथ डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी। ये देखें, अमेजिंग। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।